रेडियो पंजाब टुडे दे फेसबुक पेज अते यूट्यूब चैनल ते जुड़े हुए तमाम दर्शकों नू मेरा यानी कि स्वर्ण सिंह दाने वाले दा तुहानू इस्तबगाल है खुशामदीद है ते मैं तुहानू सारयां नू जी आयां कहना है। सो रेडियो पंजाब टुडे दी हमेशा एक कोशिश रही है कि आप जी नू बड़िया अहम खबर जमीनी पद्धर ते ग्राउंड जीरो तो रिपोर्ट की जाए तो हमेशा ही कोशिश रहती है कि असी उन्हां खबरों का हिस्सा ना बनीए जां उन्हां वीडियोज़ का हिस्सा ना बनीए जिहड़ियां अगे आउण दे समें दे विच किसी तरह नाल समाज लई घातक हो सकन। कुछ वीरां लई मैं दस दिया कि हर चैनल दे उत्ते चलण वाली वीडियो खबर नहीं हुंदी, अक्सर कई मशहूरियां भी हुंदियां ने ते उन्हां मशहूरियां नूं इस तरह पेश कीता जांदा जिवें ओह खबर हुंदी है। तुसीं अखबारां दीआं कटिंग्स च देखो, बड़ा कुछ देखो, तुहानूं इंज लगेगा कि इह तां खबर है पर असलीयत दे विच ओह एडवर्टीजमेंट हुंदी है। जिहड़े सैटेलाइट चैनल ने जां अखबार ने वो थल्ले एडवर्टीजमेंट लिख देंदे ने, पर यह सिलसिला साडे यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज दे वीडियोज़ दे ते नहीं है। हुण पिछे जे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही सी, लोग धड़ाधड़ जिहड़े सीगे उस वीडियो नूं देख के उस वीडियो विचले बंदिआं कोल पहुँच कर रहे सन। ये बंदे कौन सी, की इन्हां बारे पड़ताल की गई? अक्सर की हुंदा साडा मसला, मेरा खास करके, मैं साडी गल नहीं करदा, जदों किसी भी चीज़ दे विच पब्लिक नूं इनवॉल्व किया जाता है, आम लोगों नूं इनवॉल्व किया जाता जां किसी दे मोढ़े ते धर के चलाउण दी कोशिश की जाती है तो असीं उहदी पड़चोल भी करदे हां। लुधियाणे दे विच किसान हट 13-13 नां दा अदारा खुल्लिया, उस अदारे दी एक जिहड़ा कह सकते हैं आपां उन्हां दा दावा सी कि वह लखां नौकरियां देणगे ते लखां लोकां दा जीवन जिहड़ा है वह बदलणगे, क्योंकि किसानां दी लुट जिहड़ी है कारपोरेट घराणे कर रहे हैं। मन दे विच गल भी चंगी लगी, पर कुछ गल्लां ने मैनूं झंझोड़िया। मैं थोड़ा जिहा वर्कआउट किया, कुछ निकलिया, फिर निकलिया मैं खरीदया उस चीज़ नूं। जो खरीदया तां मैं एक चीज़ सोची कि जिहड़े इहदे प्रमोटर ने इन्हां बारे जानकारी एकत्र की जाए, क्योंकि गल्लां वड्डियां कर रहे हैं, बहुत दावे जिहड़े इहो जिहे कर रहे हैं जिहड़े दावे कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। एंड बिकॉज मैनूं लंबा समा मीडिया दे नाल जुड़ गया, वड्डियां वड्डियां कंपनियां आउंदियां, अरबां रुपईआ लोगों का इनवैसट हुंदा, पर वह इस तरह लोगों नूं टारगेट नहीं करते, क्योंकि तुहानूं याद होएगा कि मल्टी लैवल मार्केटिंग वड्डियां कंपनियां आईयां, वड्डियां कंपनियां दे विच उन्हां कंपनियां दे जिहड़े अज तों 90-91 दे विच जदों अमरीका दीआं कोई कंपनियां आईयां उन्हां दे जिहड़े एजेंट बणे सी, जां उस तों पहलां इक कलकत्ते दी कंपनी सी पीयरलैस, वह पिंडां दे लोकां दी इनवैसटमेंट कराउंदी सी, जिहड़े उन्हां दे एजेंट सीगे फिर उन्हां दे एजेंट जिहड़े आ उत्थों दा पेज सिच के उन्हां दे मालक बणे। हुण की चीज़ हुंदी है, जदों कोई भी तुसीं चीज़ नवीं चीज़ बनाउणी हो तां उहदे विच सुधार करदे हो, उहदा तरीका बदलदे हो, बड़ा कुछ करदे हो। सो ये तरीके किवें बदलदे ने, इस तों पहलां मैं तुहाडे ते गुजारिश करदा कि तुसीं जिन्ने भी वीर इस वक्त जुड़े हो रेडियो पंजाब टुडे दा फेसबुक पेज फॉलो ते लाइक कर दिओ, ते इस दे नाल यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, ते इहदा कमेंट जरूर करिओ। हुण वह चीज़ां मैं देखियां सी, इन्हां चीज़ां नूं मैं बड़ा नज़दीकी तों वाचिया सी, बड़े लोग जिहड़े इहनां दे शिकार होए सी किवें होए सी मैं देखिया। हुण अक्सर की हुंदा, ये गिणती मिणती दे लोग ही ने, ये लोगों का पैसा लै जाते हैं, हड़प जाते हैं, फिर लोग बेचारे मगर मगर तुरे फिरते हैं। हुण एक मैं गल करदा, एक गरीब जिहड़ा दिहाड़ीदार मजदूर आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए जो औखा सौखा होकर 5000 रुपया जमा करा दिंदा तो वह 5000 हड़प्पया जाता तो जाऊ कि कोले उदू वधदियां दिहाड़ियां छड्ड दू। कई बंदा तो 2 नंबर का पैसा लग्या तो कहते छड्ड पर आपां की लैना, मर जाएंगे जे केस किया तो सरकार घेर लूगी। सो मैं थोड़ी जी पड़चोल की, तो पड़चोल करन दे उत्ते मैनूं पता लग्या कि इहदे जिहड़े सो कॉल्ड डायरैक्टर ने असल च मालक हुंदे ने। तुहानूं मैं एक चीज़ दस्सां, अपने डायरैक्टर कहिंदे जी तां तनखाह लैंदे आ जी, पर इन्हां ने उसका स्ट्रक्चर ही इस तरह बनाया हुंदा कि जिथे ओह तनखाह लैंदे ने मालक कौन हुंदा रब जाने। जे इन्हां ने एवें 20-25-30 जाने वह बना लिया, हुण जिवें किसान हट हैगी, किसान हट का उन्होंने फाउंडेशन बनाई, तो ये 3 लोग डायरैक्टर बने। पहले सुनो ये 3 लोग डायरैक्टर किहड़े ने, इन्हां दे ही एक साथी वल्लों दस्सिया गया, पहले सुन लो। ये जिन्ना भी सुपना या जो भी तुसीं वेख रहे हो, ये सारी उपज, ये सारा सुपना, ये व्यौंतबंदी साडे चेयरमैन सरदार जगदेव सिंह जी खालसा जी दी है जी।
जिन्हां दे नाल साडे एम डी सरदार गुरबख्श सिंह जी जुड़े ने, मैं एज ए डायरैक्टर मार्केटिंग ऑपरेशनल इतना जुड़िया, मेरे नाल मेरे साथी होर भी ने, अशोक जी ने, सुखा जी ने, ये साडी बहुत वड्डी टीम है। लेकिन इहदे च जिहड़ा सुपना लिया सी इह सरदार जगदेव सिंह खालसा जी ने लिया सी जी। हुण तुसीं इह सुणिया कि इहनां दे डायरैक्टर कौण ने, हुण अगले समें दे विच इह दावेदारियां वी हो सकदियां ने कि फलां मालक नहीं है, डायरैक्टर नहीं है, की नहीं है, उह गल छड्ड दिओ। हुण सुणदे आ आइडिया कित्थों जनरेट होया, ते कौण इक चीज़ दसदा कि हमेशा एक आइडिया जिहड़ा उह करदे आ, क्योंकि टारगेट कीता जांदा इहनां दे प्रमोटर्स वल्लों, यानी कि डायरैक्टर्स वल्लों पिछोकड़ दे विच की कीता गया सीगा, उहदे बारे मैं पहलां तां पुछिया भी तुहाडा पिछोकड़ की है, इन्हां ने पिछोकड़ नहीं क्लीयर किया, तुसीं कट्ठे कित्थे होए। ये भाई साहब जिन्हां दे हरिंदर सिंह ने, उन्हां दे नाल मैं गलबात की, उन्होंने कोई क्लीयर नहीं किया, क्योंकि मैं ग्रिल नहीं सी करना चाहता, क्योंकि मेरा एजेंडा एक होर सी, मैं उन्होंने बंदा तक इन्हां दे साथियों तक पहुँचना चाहता सी, जिन्हां दे उत्ते वख-वख तरहां तहत मुकदमे दर्ज ने। ठीक है, मैं एक व्यक्ति नूं मिलना चाहिया, उहदे बारे मैं अगे गल करांगा, एक व्यक्ति उत्थे है नहीं सी, जगदेव सिंह खालसा अवेलेबल नहीं होए, जिहड़े गुरबख्श सिंह सी उन्हां नूं मैं मिलना चाहुंदा सी, उन्हां दे फोन नंबर नहीं सी चक रहे। सो मैं इत्थे इन्हां नाल गलबात कीती, गलबात करके मैं इन्हां तों पुछना चाहिया कि तुसीं पहलां कित्थे काम करदे सी, तां पहलां इन्हां ने गोल मोल गल्लां कीतियां, जो तुसीं समझ गए ना कि जिहड़े इन्हां दारां नाल जुड़े लोग हुंदे ओह डायरैक्ट किते भी तुहानूं नहीं दसदे। तुसीं देखोगे कि जिथे इन्हां दीआं सैमीनार्स हुंदे आ, टाइयां लाउंदे ने, होर लाउंदे, सर कुछ करदे, तां इक दूजे नूं सर कहिंदे ने, किते कोई सर बन जांदा, किते कोई सर बन जांदा। इहदे बारे इक विस्तार नाल अजिहे व्यक्ति दी असीं इंटरव्यू कीती है, जिहड़ी तुहाडा लिंक जिहड़ा तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, उह वी पावांगे, पर उह हो सकदा असीं कल नूं वी उहदी पाईए, क्योंकि इहदे विच की चीज़ है कि इह इंटरव्यू मैं जल्दी नाल इह रिपोर्ट पेश करना चाहुंदा। सो पहलां इन्हां दे पिछोकड़ की गल की, पिछोकड़ वाले कोई गल क्लीयर नहीं की, वह सुन लो कि तुसीं पहलां कित्थों कट्ठे होए, की करदे सी, किवें तुसीं, तुहानूं आइडिया है भी किवें, की तुहाडी स्किल है, तां किवें तुसीं लोकां तक जाओगे, कि यह फ्रेंचाइजी है की नहीं, तां उन्हां ने बड़ियां गोलमोल जिहियां गल्लां कीतियां। पहलां फ्रेंचाइजी तो मल्टी लैवल मार्केटिंग तो इनकार किया, किटां की गल की भी किट वेचदे असीं, किट दे नाल तुसीं घरे बह के भी काम कर सकते हो, तो मल्टी लैवल मार्केटिंग दी पहली स्ट्रैटेजी है कि साडी किट लै जाओ। हुण किट दे विच की चीज़ है ये भी तुसीं विच सुन लिओ, इहदे जिहड़ा स्ट्रैटेजी की है ये भी तुसीं विच सुन लिओ, सारियां चीज़ां एक तरह नाल तुहानूं क्लीयर करनगियां कि असल दे विच इह गोरख धंधा की है। इस गोरख धंधे नूं सुणन तों बाद तुसीं गौर करिओ, मैं फिर तुहाडे नाल मिलदा, पहलां इह गल सुण लो। अपने घरों 50,000 रुपए नाल भी शुरू कर सकते हो बिजनेस, तुसीं 10,000 रुपए नाल भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। साडी किसान रेवोल्यूशन की जिहड़ी किट है, ये किट 1100 रुपए की है, कि तुसीं 1100 रुपए नाल अपने घरों बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हो, मतलब कि किट वेच के तुसीं कमा सकते हो। हाँ, तुसीं किट वेच के अपने जो मेंबरशिप जां किस तरह लेके चलते हो। साडी कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई साडी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तुसीं आओ आके है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ, ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1500 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੀ ਕਿੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਐਜ਼ ਔਨ 1500 ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉਹ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ 1500 ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਜਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਲਤ, मैं उहदे 'ਚ ही करदा जिवें तुहाडे कोले बड़ी दूरों दूरों इंदौर तों होर जिवें तुसीं गल्लां कर रहे सी कि पंजाब तां जी बुक हो गया सारा जी, जी। ये की बुकिंग है, की स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग? स्ट्रैटेजी प्लानिंग ये है कि असी जदों ये काम स्टार्ट कीता सी, असी इहनूं पूरे पंजाब 'च पूरे इंडिया 'च प्लैन करदे सी, पर असी सब तो पहलां अपने घर तों शुरू कीता, क्योंकि साडा घर है पंजाब, साडे इत्थों दी ज़्यादा पॉपूलेशन जिहड़ी है वह पिंडां 'च है। साडे चेयरमैन सर दा ये सुपना सी कि हर घर 'च एक बिजनेसमैन पैदा करना। पूरे पंजाब 'च 117 हलके है जी जी, असी हलका वाइज अपनी होलसेल डंप बनाए कि 117 हलकियां 117 डंप, वो डंप जिन्हां दे थल्ले पूरे हलके 'च जिन्नियां भी दुकानां खुलणगियां उहदे 'च असी दुकानां प्लान कीतियां भी एक 3 लाख वाली दुकान है, एक 7 लाख वाली साडा मॉल सुपर स्टोर है, एक साडा 15 लाख वाला ट्रॉली मॉल है जी। अपनी जेब ते अपने सरमाए दे अकॉर्डिंगली तुसी बिजनेस प्लान कर सकते हो। हुण इह सारे गोरख इन्हां दे जिहड़े, मैं इह नहीं कहिंदा कि फ्यूचर स्पैकूलेशन की है, मैं गोरख धंधे की गल कीती, गांह हो सकदा कामयाब भी कर देंदे, की कर देंदे, पर क्योंकि इन्हां दा इतिहास जिहड़ा सीगा, इन्हां दा पिछोकड़ सी उह कोई बहुता चंगा नहीं सी, उह पिछोकड़ इह सी कि इन्हां ने लोकां दे पैसे दब्बे, इन्हां दे लोकां ने पैसे देने आ, कोई पहला 1 साल जेल 'च भी लाया, किसी ते 10 मुकदमे ने, किसी ते 50 मुकदमे ने, पता नहीं किन्नी क लोगों की लैन देनी है। सो जदों इस चीज़ की गल मैं की, कुछ मैं तुहानूं हबोर तो
वकील साहब ने साडे इंद्रजीत सिंह उन्हां दी वी गल भी सुन लो वह की कहिंदे ने ते जिन्हां नाल जिन्हां ने इन्हां दे उत्ते मुकदमा दर्ज कराया सीगा उन्हां दी भी सुन लो वह मुकदमा इस हट नाल नहीं है। मैं पहला कह रहा इस किसान हट नाल रिलेटड मुकदमा नहीं है पर इन्हां डायरैक्टरां दे उत्ते मुकदमे दर्ज ने पहलां दीआं कंपनियां दे विच। हुण पहलां दीआं कंपनियां किन्नी देर चलदीआं इह वी इक वेखण वाली गल है कि दो साल बनाई एक साल बनाई प्राइवेट लिमिटेड कीती उहदे डायरैक्टर कौन बन गए उहदे ओनर कौन सी ते पर करता धरता कौन सी इह वी वेखण वाली गल है। करते धरते तां इही लोक सीगे। सो इन्हां लोकां दे विच्चों जगदेव सिंह अते बख्शीश सिंह दे दोहां ते मुकदमे दर्ज ने वकील साहब तुहानूं दस्सणगे ते नाल जिन्हां नाल ठगी हुई है फौजी परिवार दा जिन्हां नाल ठगी हुई है उह वी तुहानूं दस्सणगे। सत श्री अकाल पंजाबीओ, अज मैनू पता लग्या भी लुधियाणा दे विच किसान हट दे जिहड़े भी मालक जां उहदे करिंदे फड़े गए है। आ दिल्ली तो मैं पिछले कई दिनों तो देख रहा भी ये लोग जिहड़े हैगे आ किसानां नूं किसानी संघर्ष के नाँ ते गुमराह करके तेरा तेरा दा कह के लोगों नूं लुट रहे आ। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा इन्हां जिहड़े इहदे मालक ने जगदेव खालसा जां दूसरे जिन्ने भी बंदे ने इन्हां दा अबोर जुडिशियल कोर्ट दे विच 4 करोड़ तो ज्यादा दे ठगी दे केसां च पीओ ने भगोड़े ने। इन्हां दी जिहड़ी पत्नी है वह भी भगोड़ा है। वकील दी फीस दित्ती सी वह भी चैक बाउंस हो गया। मैं थोनू अज नशर करदा भी पंजाबीओ बच जाओ इहो जिहे ठग जिहड़े हैगे आ उह किसानी संघर्ष दे नाते थोनू लुटना चाहुंदे आ। ते मैं हुणे ही थोनू अबोर जुडिशियल कोर्ट कंपलैक्स दे जिन्ने भी ऑर्डर पीओ दे ने भगोड़े जिहनूं भगोड़ा कहिंदे आ ਉਹ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ, 70 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਪ ਦੇਣਾ ਡੰਪ ਇਹਦਾ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਬੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਨ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਆਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ। ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਮਗਰੋਂ ਬਾਊਂਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ? ਆਪਣੇ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਏ ਸੀ? ਇਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਗੋਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਥਪੁਰਾ, ਅੱਛਾ, ਨਥਾਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 420-38 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀ ਓ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਓ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਗੌੜੇ ਆ ਜੀ ਅਦਾਲਤ। ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਫੇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਹਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ
फिर एक पुलिस नूं एक कमरे चल जांदे ने, हो सकदा कन्विंस कराउण दी कोशिश कीती होवे कि मैनूं भरा छड्ड दिओ होर कर दिओ चलो, पर पुलिस क्योंकि पुलिस नूं पता सीगा कि मामला संगीन है, मीडिया इत्थे है, पंजाब टुडे दी टीम इत्थे है, तां उह उहनां नूं उत्थों लै गए गिरफ्तार कर लिया। हुण इह गिरफ्तारी ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐੱਫ ਆਈ ਨੰਬਰ 163/2018 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇਕੋ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਇਗਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਕੌੜੇ ਸਨ, ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 163 ਸਨ 2018 ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ। ਸੋ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਭਕੌੜੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਪੁੱਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ SSP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, SSP ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੂਡਸ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। SSP ਬਠਿੰਡਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੋ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 163 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420-120B ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੈਸੀਅਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 18% ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਥਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਸ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ 163 ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ PO ਦਾ ਚਲਾਨ ਦੋਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
अज ताज़ा तरीन मामले दे विच किसानी हक के नाँ के उत्ते एक किसान हट जिहड़ी है वह लुधियाने दे विच खोली गई। एक दुकान इन्हां दी इस मार्केट फिरोजगंज दी मार्केट दे विच है, दूजी श्री पिंड दे विच। सो इहदे जरिए ये जिहड़े इन्हां दे डायरैक्टर ने जिन्हां दा पिछोकड़ बारे कुछ जानकारी दे दईए, यह मल्टी लैवल मार्केटिंग के जरिए पहला काम करते रहे ने। अबोहर की बड़ी मशहूर नेचर वे कंपनी सी जिहदा करता धरता नीरज ठठई भगौड़ा है, उहदे करता धरता हरिंदर सिंह उन्हां वल्लों की गई है। असी दूजे करता धरता जिहड़े बठिंडे दे आले दुआले कंपनी बना के लोगों के लखां रुपए जिहड़े है उन्हां दी देनदारियां ने मुकदमा दर्ज है। गुरबख्श सिंह असी अजे इंटरव्यू करन पहुँचे ही सी कि साढ़े मगरे ही पुलिस ने रेड कर दी, उन्होंने गलबात नहीं कर दी। पुलिस उन्होंने इतों लैके जा चुकी है, पता चलिया कि इन्हों के उत्ते बठिंडे एक पुराना मामला दर्ज सी। इन्हों वालों हूँ फौजियों टारगेट किया जाता सी, फौजियों के पैसे लवाए जाते। सो तुहानू दस दिए कि जो तो पैसे लवाते ने तो कई बंदों यह पैसे देंदे नहीं, कई जोड़े पैसे लाने वाले लोग ने उन्होंने वरा लेंगे ने कहते कि अज इन्ने लै जाओ इन्ने लै जाओ, उन्हां दे टूल बनते हैं। सो ये घटना तुहानू दस रहे हैं तफसील दे नाल, तुसीं इस रिपोर्ट दे विच देखिया होना। मैं पीस टू कैमरा करके इस करके तुहानू दस रहा कि बठिंडे लुधियाने असीं इस वक्त खड़े हैं, ताज़ा अपडेट असीं तुहानू दे रहे हैं। तुसीं देख सकते हो कि किस तरह के नाल गुरबख्श सिंह नूं जो 18 दे विच मुकदमा दर्ज होया सी धोखाधड़ी का, करोड़ों रुपए का जिहड़ा उत्थे लैण देण सी, कुछ वल्लों मामले दर्ज कीते सी, उहदे विच पुलिस ने फड़िया। बेशक पुलिस ने इस मामले के उत्ते साडे नाल गल करनों इनकार कर दिता, पर जिथों तक पता लग्या कि 5 नंबर डिवीजन दे विच इत्थे लैके जाया गया, इस तों बाद इन्हां नूं बठिंडे लिजाया जाएगा। सो सारे वीर इस वीडियो नूं वायरल कर दिओ तां जो किसान हट दे विच लखां रुपया लाउण वाले लोग ने जिहड़े उह बच जाण, इस ठगी ठोरी तों बच जाण, क्योंकि इहदे करता धरता दा पिछोकड़ ठगी नाल जुड़िया होया, धोखाधड़ी नाल जुड़िया होया। सो रेडियो पंजाब टुडे की हमेशा कोशिश रहती है, असी किसी की पैसे लैके न्यूज़ नहीं दिखाते, असी समाज को मिसगाइड नहीं करते। साडा फर्ज है कि असी सच्चाई जिहड़ी है, खबर दो दिन लेट ला देंगे, सच्ची खबर जिहड़ी असी तुहाडे तक पहुँचाने। सो असी पर्दाफाश करना चाहते सी जिस तो पहले कि असी पर्दाफाश करते, इहदी गलबात जरिए गुरबख्श सिंह नूं असी कैमरे के उत्ते असी घेरदे, पुलिस इस तो पहले फड़ चुकी है। सो असी इस तो पहले इन्हां दी ठगी का शिकार हो एक परिवार को मिले, होर लोगों के भी फोन आ रहे हैं। जेकर तुसीं भी इसका ठगी का शिकार होए हो तो मैं 9781417741 के उत्ते फोन करके मैनू गल कर सकते हो, जानकारी दे सकते हो। फिलहाल मैं इजाजत दो, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वध तो वध शेयर कर दो रेडियो पंजाब टुडे दे नूं। मैं इस वक्त तुहाडे नाल फिरोजगंज की मार्केट लुधियाना तो जुड़िया हुआ, कैमरामैन राम सिंह गिल दे नाल मैनू स्वर्ण सिंह दरनेवाल गिल दिओ आग्या।